नमस्कार दोस्तों, डी गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बने हुए हैं डीवी धामा के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फटेरा की, कि इसे हम किस प्रकार से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्लॉटों में इसको सही तरीके से डाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें ज़रूरत होगी यूरिया खाद की, जो कि मार्केट में दो तरीके से मिलते हैं। एक मोटे दाने का खाद मिलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके दाने की मोटाई काफ़ी है और ये बहुत ही मोटा दाना इसका होता है। और दूसरा जो इसका होता है दोस्तों, वो बारीक दाने का खाद होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बारीक दाने का खाद है। तो हमें जो आवश्यकता होगी फटेरा को मिलाने के लिए, बारीक खाद ही लेना है, मोटा खाद हमको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बारीक दाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है और हम इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसको हम किस प्रकार से मिलाएंगे। तो इसके लिए देखें दोस्तों, हमने बारीक दाने का खाद ले लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा पानी छिड़क लेंगे। ज़्यादा पानी लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा पानी आपको इसके ऊपर डालना है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, थोड़ा पानी आप इसके चारों तरफ ऐसे छिड़क लें और फिर इसे अच्छे से आपस में हाथों से मिला लें। तो मिलाने के बाद दोस्तों इसमें कुछ चिपचिपाट हो जाएगा और इसके बाद आप फटेरा को लेकर के इसके ऊपर डाल लें। ये हमने फटेरा देखिए डाल लिया इसके ऊपर, और डालने के बाद दोस्तों आपको इसको हाथों से अच्छी प्रकार से मिलाना है। खूब अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको मिला लिया है और ये हर दाने में चिपचिपाहट की वजह से, जो हमने पानी इसमें डाला था उसकी वजह से, इस दानों में अच्छी तरीके से चिपक गया है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल सही तरीका फटेरा और यूरिया खाद को आपस में मिलाने का। अब ये बिल्कुल तैयार है, आप किसी भी फसल में इसको डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।